Exercise 1.1, question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Solution. Let a be any positive integer. Let a be any positive integer and b equal to 3. जो भी m के साथ है उसको b ले लेते हैं. तो b equal to 3. As Euclid division lemma. Euclid division lemma क्या है? A equal to bq plus r. Where r greater than equal to 0 and smaller than b. तो r की possible values क्या होंगी? 3 से छोटी. 3 छोटी क्या होंगी? 0, 1, 2. Where r equal to 0. अगर r equal to 0 लेते हैं, तो इसमें put करेंगे r equal to 0. A equal to हो जाएगा, b 3 है, तो 3q plus 0. Squaring. Squaring करेंगे इसको. Squaring both sides. तो a square, 3q का square, यानी a square equal to 9q square. क्या हो जाएगा? A square equal to 9q square. तो इसमें 3 common लेंगे. 3 बाहर ले लिया, तो अंदर आएगा 3q square. तो 3q square, m ले लेंगे. तो a square आ जाएगा 3m. तो let m equal to 3q square. यानी जिसको हमने m लिया, हमें क्या चाहिए? 3 का मल्टीपल चाहिए. तो 3 हमने बाहर ले लिया और जो भी बचा उसको हमने m पुट कर लिया. ठीक है, तो 3m हो गया है. नेक्स्ट, वेयर r equal to 1. सेकंड है r equal to 1. R equal to 1 के लिए क्या करेंगे? A equal to 3q plus 1 हो जाएगा. R की जगह 1 आ जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड. A square equal to 3q plus 1 का होल स्क्वायर. A square equal to दोनों में a plus b का होल स्क्वायर फॉर्म लगाएंगे. A square plus b square plus 2ab. A square 9q square पावर के हिसाब से रखेंगे इसको, प्लस 6q प्लस 1 यहाँ रख देंगे. ए स्क्वायर इक्वल टू दोनों में कॉमन क्या है? 3 हमें इस फॉर्म में लाना है. 3m प्लस 1, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3q square प्लस 2q प्लस 1 ये वाला. तो जो भी बचा अंदर उसको सबको m ले लेंगे हम. तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3m प्लस 1. तो इस फॉर्म में आ गया. इसमें कंफ्यूजन मत करना कि m इक्वल टू हमने 3q ले लिया और यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q ले लिया, क्योंकि m जो है इसके लिए है और ये m इसके लिए है. ठीक है, क्योंकि m इज ए, ठीक है ना, सम इंटीजर है. नेक्स्ट है वेयर r इक्वल टू. r इक्वल टू लेते हैं तो इसमें क्या होगा? a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा. बहुत सारे स्क्वायरिंग a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर 9q स्क्वायर. अरेंज करनी है इसको 12q प्लस 4. हमें क्या चाहिए? 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए. तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q. इसको हम लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1. ए स्क्वायर सब में 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 3q स्क्वायर. यहाँ पे 4q प्लस 1 प्लस 1 बार बार ये वाला है. तो इस होल को हमने m ले लिया तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1. m इक्वल टू दिस वन होल m. तो फॉर इंटीजर m, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m, 3m or 3m plus 1. 3m plus 1.